लगी आपको? एक्टिंग बहुत अच्छा लगा, डायरेक्शन अच्छा था। और व्हाट अबाउट जो एक घर के अंदर रहता है, तो किस तरह से अगर एक चाबी के द्वारा, तो आप कैसे देखते पूरी स्टोरी एंड कंटेंट वाइज? नहीं, अच्छी लगी फिल्म, अच्छी आपको लास्ट तक जोड़ के रखी है? हाँ हाँ, अच्छी थी, लेकिन जस्ट नॉर्मल ऑडियंस के लिए मेरे ख्याल से बोर होगा, लेकिन एक्टिंग डायरेक्शन अच्छा था। 5 में से कितना स्टार देना चाहेंगे? 3। फिल्म की कहानी कॉन्टेंट वाइज राजकुमार राव का एक्टिंग बहुत बढ़िया है, और बस मूवी बहुत अच्छी तरीके से बनाई गई है, छोटी सी है और बहुत अच्छी है। फिल्म की डायरेक्शन कैसी लगी आपको? डायरेक्शन के बारे में मैं क्या बताऊं यार। एंड व्हाट अबाउट द राजकुमार, हिज एक्टिंग? हिज एक्टिंग वाज अमेजिंग। उसके बाकी मूवीज भी देखी है मैंने, बहुत अच्छी एक्टिंग। फिल्म लास्ट तक छूती है आपको, एंड तक? हाँ, ग्रिपिंग थी, मतलब एंड तक आपको पता नहीं हो क्या होने वाला है, तो आप बैठे ही रहते हो, इट्स वेरी ग्रिपिंग, बहुत अच्छी है। फिल्म एक बिल्डिंग में है, जिस तरह प्रॉब्लम होता है एक रूम में, ही इज ट्रैप्ड इन अ रूम, बस पूरे रूम के अराउंड ही रिवॉल्व होता है। 5 में से कितना स्टार देना चाहिए फिल्म? 4। कंसिडरिंग राजकुमार परफॉर्मेंस बीइंग अ सोलो प्ले, उनका जो फ्रस्ट्रेशन था, मतलब जो एक नॉर्मल आदमी के साथ हो सकता है, उन्होंने बहुत अच्छे से पोर्ट्रे किया था फिल्म मूवी में। फिल्म की कहानी कैसे, मतलब लास्ट तक ग्रिप करती रही आपको? थोड़ा हल्का सा ड्रैग हुआ लगा, पर बट देन स्टिल यू नो इट डिडंट गेट यू फुली ड्राइड अप ओवर दैट, इट केप्ट अस ग्लूड टू द स्क्रीन सेल। और अबाउट डायरेक्शन ऑफ द फिल्म? Definitely, the thing is, it was a drama and a thriller movie, so based on that, there have been better movies on this case, but yeah, it was up to the mark, you can say. 5 में से कितना स्टार देना चाहिए? I'm sorry? 5 out of how much star you will give? I'll definitely give a 3.5. And you will recommend to your friend? Yeah, definitely, a good movie. Thank you. Really nice. Film की कहानी आपको लास्ट तक छूती रही? Yeah. वो टोटली मतलब नेक्स्ट क्या होगा, इट वाज रियली नाइस। फिल्म का कंटेंट कैसा लगा आपको? लगा इस तरह की फिल्म बननी चाहिए बॉलीवुड? ऑफ कोर्स, ज्यादा बननी चाहिए इनफैक्ट। एंड व्हाट अबाउट राजकुमार? हिज परफॉर्मेंस वाज ब्रिलियंट, ही टोटली नेल्ड इन द मूवी। विल यू रेकमेंड टू योर फ्रेंड इन एनी ऑफ दिस फिल्म? ऑफ कोर्स, टोटली। एंड 5 आउट ऑफ हाउ मच आर यू गिव? 4.5। Ma'am, how you like this film? Can you tell us about regarding this film? Trapped, right? Yeah, right. Very nice, very nice. And how you see the film content wise? Very nice. It's pretty realistic, and Rajkumar Rao's acting is amazing. If you see the direction about the film, content wise, yeah, story wise, yeah, you think that this kind of film should be made? More such movies should be made, but people actually like Bollywood movies, which are not very realistic, and such movies people don't go to see. So you know, people should encourage such movies more. And what about how much star you will get? 5 out of 5. 4.5. And you will recommend this film to your friends? Yeah, I got my whole class. Apparently, everybody is gone. Thank you so much. Thank you. How you like this film? It's a very nice movie. Outstanding performance. And what about the Rajkumar performance? बहुत अच्छा किया उसने, बहुत कमाल का है. Do you think this kind of film never makes in Bollywood? These are critically good movies which actually do not perform well at the box office. So I think इसको भी recognition मिलना चाहिए, ऐसे movies ज़्यादा लोग देखने चाहिए. तो आपको लगता है कुछ message दे रही है film? ऐसे हम लोग डेंजरस मतलब घर पे कौन सोचता है कि घर पे कौन ऐसे फंस जाएगा, और कुछ भी नहीं है, नया घर है, कुछ भी नहीं है, ऐसे सिचुएशन कभी किसी के साथ ना हो, बट ऐसे कुछ हो गया तो क्या, ऐसे सोचना चाहिए हम लोग को कि क्या होता है. And how you see the performance of Rajkumar? It was outstanding, amazing. And will you recommend to your friend? Yes, of course. And what about the star? How much star you will give? 4.5. Thank you. एक जन का ले लेते हैं. एनी रीजन? स्टोरी वाज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, लाइक द ट्रेलर इज द होल फिल्म एक्चुअली बेसिकली. एंड व्हाट अबाउट द कंटेंट वाइज फिल्म? हिज एक्टिंग इज गुड. स्टोरी, एक्टिंग इज गुड, बट द स्टोरी आई डिडंट लाइक इट पर्सनली. एंड हाउ मच स्टार यू विल गिव? 5 आउट ऑफ 5. आउट ऑफ 5 आई गिव 2.5. थैंक यू सो मच. स्टोरी वाइज, कंटेंट वाइज? देयर इज नो स्टोरी, आई मीन इट्स जस्ट वन गाय ट्रैप्ड इन वन रूम. And what about the Rajkumar performance? Yeah, the acting was good. And will you recommend this film to your friends? No. And 5 out of star, how much you will give? 2.5. Thank you so much. I did not like it much. It was too trapped in the room. Yeah, it was his acting was good and all, but the movie was too slow overall, that's all. And how you see the Rajkumar performance? Yeah, it was not that bad. His performance was good, but yeah.
And how you give the star? 5 out of? Yeah, 2.5, that's it. And you will recommend this film to your friends? No, not really. Thank you. Okay. शुक्रवार का दिन है और एक नई फिल्म बॉक्स ऑफिस में रिलीज हो चुकी है. फिल्म है ट्रैप. फिल्म के मुख्य भूमिका पर है राजकुमार राव. फिल्म लोगों को काफ़ी पसंद आ रही है. फिल्म है एक जो व्यक्ति है जो राजकुमार है, एक बड़ी सी बिल्डिंग इमारत में किस तरह से वो फंस जाते हैं और वहाँ से किस तरह से बाहर आते हैं, उस पर ये पूरी तरह से कहानी है. फिल्म एक छोटे बजट की है लेकिन आपको फिल्म की कहानी आपको काफ़ी पसंद आएगी कि अगर जो बड़े बड़े शहर हैं, चाहे वो मुंबई हो, दिल्ली हो या बेंगलोर हो, वहाँ पे बड़ी बड़ी इमारतों में अगर कोई बंदा अपने घर पे फंस जाता है तो उसे किस तरह की परेशानी होगी, ये दिखाया गया इस फिल्म में. फिल्म बहुत एक रियलिटी बेस में है. फिल्म की सच्ची कहानी हम नहीं कह सकते लेकिन एक फिल्म आपको एक सेंस दिखाएगी कि बड़ी बड़ी इमारतों में भी इस तरह की घटना हो सकती है. देखना है कि आगे आने वाले दिनों में ये फिल्म बॉक्स ऑफिस में कितनी प्रदर्शन करती है. कैमरामैन अमर के साथ कृष्णलाल कुलियाल, बॉलीवुड अड्डा.